दोस्तों आज बात करने वाले 20x36 हाउस प्लान की। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे। बहुत ही बेहतरीन सा प्लान है 20x36 फिट में। इस मॉडल को यहाँ पर मैंने बहुत ही बेहतरीन सा एक छोटा सा पोर्च बोले या बारंदा बोल सकते हैं, और स्टेयर केस मैंने बाहर से दिया है, जिससे आपका अंदर का जगह प्रॉब्लम्स ना हो। ये गाँव क्षेत्र के लिए बहुत ही बेहतरीन सा मॉडल है। तो जो आज का प्लान है इसी को डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें, ये चारों तरफ से ओपन प्लान है, आप देखिए, इसलिए मैंने यहाँ पर विंडो दिया है, और विंडो को ढकने के लिए बरसात में थोड़ा सा छज्जा टाइप का बाहर निकाल दिया है। पिलर बेस आपको सब दिख रहे होंगे, ईंटों का टेक्सचर दिया है, ये आपके देखिए पिलर ऑलरेडी दिख रहे हैं, कहाँ कहाँ पर पिलर मैंने क्रिएट किए हुए हैं, तो इसी को डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए लगातार, मैं हूँ पवन छागड़, और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। अगर आपने अभी तक स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें, से मेरे आने वाले सभी वीडियो लगातार देख सकें। तो आज का प्लान है 20x36 फिट में। सबसे पहले मैं इसे जूम करके आपको दिखाता हूँ, जिससे आपको इसका रियलिस्टिक व्यू देखने को मिल जाए प्रॉपर तरीके से। इसकी रेलिंग, जो फ्रंट एलिवेशन है वगैरह, सब कुछ देखने को मिल जाए। स्टेयर से क्या है और विंडो वगैरह सब कुछ आपको देखने को मिल जाता है। अब अगर हम बात करें इसके ग्राउंड फ्लोर की, तो ये इसका ग्राउंड फ्लोर है, और इस ग्राउंड फ्लोर में यहाँ पर आपकी स्टेयर केस है, जहाँ से आप ऊपर जाएंगे, और इसके लिए आपको एक चार बारंदा टाइप का मिल जाता है, जो कि आपका देखिएगा 7 फिट का प्लेटफॉर्म बना हुआ है। और ये आपकी स्टेयर्स हैं, जहाँ से आप इधर चढ़ना स्टार्ट करेंगे, चौखा टच का ये टर्न होकर आप ऊपर चले जाते हैं। ये मेन डोर है जहाँ से एंट्री करेंगे, ये आपका विंडो है। तो जैसे मेन डोर से एंट्री करते हैं तो ये आपका एक ओपन रूम मिल जाता है, आप इसे लॉन टाइप का भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ओपन है। और इसी रूम से होते हुए साइड में आपको एक बेडरूम दिया गया है, ये आपको बेडरूम देखने को मिल रहा है। इस डोर से जाएंगे और इस बेडरूम में आपको साइड से विंडो मिल जाती है वेंटिलेशन के लिए। इसके बाद जैसे आप अंदर जाते हैं तो एक लॉन टाइप का बीच में मिल जाता है, जस्ट पीछे उसके 2 बेडरूम आपको देखने को मिलते हैं, जो कि 10x12 10x12 के हैं। और एक तरफ ये वाला आपका किचन एरिया है, जिस मैंने इसलिए क्रिएट किया है क्योंकि इस वाले बेडरूम में इसे विंडो दिया है, बेडरूम नहीं, इसे लॉन टाइप का बोल सकते हैं जो मैंने बताया, इसलिए वेंटिलेशन होता रहा और साइड से भी एक विंडो दिया है। ये आपका सामने लेटेंट बात है। तो इसे अगर हम बात करें 20x36 में, आपको 3 बेडरूम मिल जाते हैं, क्लोज्ड, एक ओपन बेडरूम, एक किचन, ये वाला किचन है लेटेंट बात, ये बीच में थोड़ा सा स्पेस। और फ्रंट की बात करें तो आपको बारंदा नुमा मिलता है, और ये स्टेयर्स केस मिल जाती है आपको 20x36 फिट में। तो एक बेहतरीन सा मॉडल। अगर हम टेक्सचर की बात करें तो ईंटों का टेक्सचर है, यहाँ पर आप देखिएगा प्रॉपर तरीके से ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही नॉर्मल तरीके से मैंने क्रिएट की है, ये देखिएगा। और आपका विंडो वगैरह भी दिया है, ईंटों का टेक्सचर है, पिलर्स आपके देखिएगा 3 पिलर पीछे हैं, फिर इसके बाद 12 फिट पे 3 पिलर हैं, फिर से 3 पिलर हैं, लगभग 8 फिट से पर फिर 3 पिलर है, और आगे भी आपको 3 पिलर देखने को मिल जाते हैं। तो एक बेहतरीन सा प्लान अगर हम बात करें, ओवरऑल बनकर रेडी हो जाता है। लास्ट फ्लोर की बात करें तो 3.5 फिट का चारों तरफ बाउंड्री, फ्रंट में जो ग्रिल इस्तेमाल किया है, स्टेयर चढ़ाए, इसके बाद इस साइड आपका ग्रिल है, और ये भी आपका ग्रिल इस्तेमाल यहाँ पर मैंने किया है। ओवरऑल 20x36 फिट में एक बेहतरीन सा मॉडल बनकर रेडी होता है। अगर आप इसकी कॉस्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके लिए आपको प्ले स्टोर पर जाना होगा और स्मॉल हाउस प्लान के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। वहाँ पर ओवरऑल कॉस्ट आपको बता देगा कि कितना कॉस्ट यहाँ पर लगने वाला है, मटेरियल क्या लगने वाला है, सब कुछ आपको रेडी करके दे देता है। तो प्लान बहुत ही बेहतरीन है, आप इसे अगर बनवाना चाहते हैं तो आप बनवा सकते हैं। पूरा मॉडल मैंने जो क्रिएट किया है बहुत ही बेहतरीन सा है। आप अपना सजेशन ज़रूर दें वीडियो पर, कैसा मॉडल बना है, कैसा स्ट्रक्चर है वगैरह। वीडियो को लाइक, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।